उधर से अच्छा व्यू आता है। तो गाइस दैट इज इट फॉर इट टुडे, होप यू एंजॉय। हाँ मैंने अभी पूरे सर्वर को ग्रैब कर दिया है, लेकिन मेरे को पता है तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये जानने के लिए तुमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। तो ये है पेरोज एसएमपी, ये एक लाइफ स्टील एसएमपी है। इसका मतलब अगर मैं किसी को मारूंगा तो मेरे को उसका हार्ट मिलेगा, एंड मेरे को इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनना था। सो मैं सोचने लगा कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। सो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लगती है दो चीजें, बहुत सारे हार्ट्स एंड मैक्स नेदरराइट आर्मर। मेरे पास अपने एक दोस्त की मदद से नेदरराइट आर्मर तो आ गया था, बट बात थी हार्ट्स की। तो मेरे जीनियस दिमाग ने एक प्लान किया कि मैं एक पीवीपी कॉम्पिटिशन करता हूँ, एंड वो सारे लोग पीवीपी कॉम्पिटिशन के लिए वो एरिया पे आए एंड मैं उनको खाई से नीचे फेंक दूंगा। हेलो एवरीवन, सो पीवीपी कंपटीशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड ये दो दिनों में है, मेरे को जल्दी से ट्रैप बनाना पड़ेगा। वो अनाउंस करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया था। मैं एक प्राइवेट सर्वर में ट्रैप को देख रहा था कि लाइक वो कैसा है एंड ऑल, एंड इट काइंड ऑफ वर्क्ड। लगा दिया लगा एक साइन। मेरे को एक ऐसा ट्रैप बनाना था जिससे अगर मैं उनको मारूं तो मेरे को उनका किल क्रेडिट भी मिले, नहीं तो मेरे को उनका हार्ट नहीं मिलेगा। सो हियर इज द बेसिक आइडिया, एक 5x5 का प्लेटफॉर्म होगा, मैं एक वीडियो की आउट्रो के लिए उन सबको वो प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। मेरा दोस्त जो अंदर छुपा हुआ होगा मेरे को एक इंडोपल्स स्टेसिस चेंबर से वहां पे लाएगा, एंड मैं वो साइन ट्रैप तोड़ के सबको मार दूंगा। नाउ बस इसको एसएमपी में बनाना रहता था। मैं अपना ट्रैप कंप्लीट कर ही रहा होता हूँ, मेरे को डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज आता है। हाँ, एक एसएमपी के प्लेयर ने ऐसी मजे मजे में बोल दिया था कि मेरा प्लान है सबको ट्रैप करने का, सबको मारने का। ये बंदा लिटरली शर्लॉक है, लाइक इसको कैसे पता। होपफुली ये बाकी प्लेयर्स को बता के मेरा प्लान बेकार ना करवाए। ये प्लान के लिए इससे ज्यादा वर्थ तो कुछ भी नहीं हो सकता। When I said this, I realized I was really, really wrong. हमारे पीवीपी टूर्नामेंट में बहुत कम वक्त बचा था, मेरे को फाइनल प्रिपरेशंस करनी थी, थोड़ी सी किट्स बनानी थी एंड फिर सबको ट्रैप करके मारना था। लेकिन उससे पहले एक दुर्घटना हो जाती है। यू सी, जो हमारा पीवीपी का अरीना था वो 5x5 ब्लॉक्स का था। ये मैंने इतना छोटा इसलिए बनाया था क्योंकि वो ट्रैप के लिए मेरे को नीचे खोदना था। सो जितना छोटा एरिया होगा उतनी खोदने में आसानी होगी। लेकिन जो एसएमपी का एक और प्लेयर था प्रांशु, उसको 5x5 से दिक्कत हो गई। उसने सोचा मैं इसको जाके बड़ा कर देता हूँ, एंड उसने मेरा अरीना तोड़ के रिस्ट्रक्चर कर दिया, और ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ उसको मेरा ट्रैप भी दिख गया। हेलो भाई, प्लान क्या है? नहीं, लाइक प्लान था कि सबकी फाइट्स के बाद सबको बीच में लेके आएंगे, फिर वो नहीं मतलब जो जो बाहर है जिस पे होगा वो नीचे। लकीली प्रांशुल ने किसी से शिकायत वगैरह नहीं की एंड वो मेरे प्लान में मेरे साथ ही आ गया। सीरियसली अगर वो चाहता तो मेरे को राइट आउट कर सकता था, ये वीडियो पूरी रियून हो जाती। हेलो हेलो हेलो, इट्स फाइनली टाइम फॉर पीवीपी कंपटीशन। बिल्कुल भी ट्रैप नहीं करने वाले हैं। मैंने इन लोगों के फेक पीवीपी टूर्नामेंट के मैचेस भी स्टार्ट करवा दिए थे ताकि इनको थोड़ी सी भी भनक ना हो मेरे प्लान की। चलो भाई, पहले मैच का आरंभ हो। दोनों की फुल हेल्थ है, दोनों कोई पोशन इफेक्ट में नहीं है। 2 3 गो। तो इसके बाद आती है मेरे फेक मैच की बारी। 1 2 3 गो। ऐसा क्या?
ओके जी जी वेरी कूल। मेरी ये फाइट के बाद हमने तीन चार और फाइट्स की ताकि इन लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़े मेरे पे, एंड उसके बाद हमने इनको फाइनली बिट्रे किया। हमारा यहाँ पे ये प्लान था कि मैं नीचे जाके वो वूल ब्लॉक तोड़ूंगा जिससे सैंड ट्रैप एक्टिवेट होगा एंड प्रांशुल उनको 5x5 के ब्लॉक्स पे लेके आएगा। सबको शांत हो जाओ यार, ये बच्चों की तरह रो रहा है, आ जा जल्दी, इसकी वीडियो बन रही है। तो रुक जा रुक जा, ओए ओए केप्स की वीडियो है, केप्स की वीडियो है, केप्स की वीडियो है। हां यो मैं ये क्लियर कर लेता हूं थोड़ा। अरे अरे सोलम भाई खड़ा हो जाना जहां पे खड़ा होते हैं, हम आउटरो में, वही वो हमारा आउटरो लेगा ना, मैच तो हमारा हुआ है। ये काम कर, तू जमीन में चले जा, केप्स उधर से रिप्ले मोड चला लियो, उधर से अच्छा व्यू आता है। तो गाइस दैट इज इट फॉर इट टुडे। ये वही बंदा है जिसको पहले पता चल गया था कि मैं ट्रैप करने वाला हूँ, इसलिए इस बंदे ने आर्मर भी रखा था। स्मार्ट लुक कितने बेकार होते हैं, ट्रैप भी नहीं होते साले। वो वेट, क्या केप ने यहाँ पे कॉम्बैट लॉक किया? ये तो एक रूल ब्रेक किया है केप्स ने। छी नहीं, चल करो, ये मैंने कोई कॉम्बैट लॉक का रूल नहीं तोड़ा है। यहाँ पे एक टाइमर है, वो टाइमर रन आउट होने के बाद तुम कॉम्बैट लॉक मार सकते हो। एंड मैं यहाँ पे 1 हार्ट पे था बिकॉज उसके पास आर्मर था, मेरे पास नहीं था, तो आई थिंक कॉम्बैट लॉकिंग वॉज द बेस्ट ऑप्शन आई हैड। मेरी ये ट्रैप के बाद सारे सुनना चाहते थे कि मेरा इस पे क्या कहना है, एंड मैंने उसके बारे में बोला। अबे सब शांत हो ना, उसको भी तो बोलने दो बंदे को। Subscribe to the channel. Yo, truth be told, I think we always knew it wouldn't last forever, but I'll still be sad when I start dreaming about our time together. For a whole year I felt your warmth into it, I was tethered, now I get confused when you start posting.